सब्सक्राइब करिए लाइब्रेरी इन्फोनेट और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट लाइब्रेरी डिपार्टमेंट की वैकेंसी के लिए। दोस्तों डिटेल में बात करेंगे लाइब्रेरी की न्यू वैकेंसी की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश, आप देख रहे हैं लाइब्रेरी इन्फोनेट, नाउ लेट स्टार्ट। हेलो फ्रेंड, मैं जिस वैकेंसी को लेके आए हूँ वह आई हुई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश। अगर वेबसाइट की बात करें, वेबसाइट है cuhimachal.ac.in। जैसे वेबसाइट में ओपन करेंगे कुछ इस तरीका वेब पेज ओपन हो जाएगा जैसे आपको शो हो रहा है। तो यहाँ टॉप में आपके पास है जॉब अपॉर्चुनिटी, जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक एम्प्लॉयमेंट नोटिस 002/2020 यहाँ पर है। तो आपको जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने न्यू पेज हो जाएगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर, इसमें क्लिक करना है नॉन टीचिंग पोजीशन में। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पीडीएफ फॉर्म ओपन हो जाएगा जैसे आपको शो हो रहा है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्टली आप वहाँ से देख सकेंगे। एंड आपको यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए, इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किया गया है। इसमें डिफरेंट टाइप की 2 लाइब्रेरी की वैकेंसी है। इसमें फर्स्ट जो लाइब्रेरी की वैकेंसी आई हुई है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, पे लेवल 5 है एंड टोटल वैकेंसी है 1 है अनरिजर्व है। एंड सेकेंड वैकेंसी जो आई 40 नंबर में लाइब्रेरी असिस्टेंट की, सॉरी लाइब्रेरी अटेंडेंट की, इसमें पे लेवल 1 है एंड 1 अनरिजर्व वैकेंसी है। तो हम बात करते हैं थोड़ा सा जनरल इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा आपको 15 जनवरी से स्टार्ट होगा एंड लास्ट आपको 31 जनवरी 2020 तक है, आप इसमें देख सकते हैं। एंड जो एप्लीकेशन फ़ीस है यहाँ पर 500 फॉर जनरल्स के लिए एंड 400 फॉर ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पर एसटी एससी एंड पीडब्ल्यूडी एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए को एंड जो इंटरनल रेगुलर एम्प्लॉय हैं यूनिवर्सिटी के, उनको कोई फ़ी पेमेंट नहीं करनी होगी। यहाँ पर आपको बोर्ड लेटर में मेंशन किया है। फ़ोन नंबर में आपको थोड़ा सा नॉर्मल इंफॉर्मेशन दिया है। अगर आप मोर देन 1 एप्लीकेशन अप्लाई करना है तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन फिल करना होगा, उसकी फ़ीस सबमिट करनी होगी। एंड अगर कोई क्वेरी है, टेक्निकल इश्यूज है, इंक्वायरी है, तो आप इन नंबरों पर आपको कॉल करके आपको या फिर आप मेल करके यहाँ पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन पा सकेंगे। एंड देन आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, मैंने रीड किया है, आप भी यहाँ पर से रीड कर लेंगे। एंड 40 नंबर में आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि कैंडिडेट बिलोंगिंग एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट शुड सबमिट प्रेस्क्राइब्स सर्टिफिकेट एज पर परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आपका सर्टिफिकेट होता है फॉर्मेट, उसी अनुसार आपको एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट के लिए सबमिट करना होगा। एंड जो आपका रिजर्वेशन होगा ग्रुप सी के लिए रिजर्वेशन होगा, उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप से देख सकते हैं। एंड जो भी कैंडिडेट ऑलरेडी भी अभी प्रेजेंट में वर्क कर रहे हैं उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा इंटरव्यू के टाइम पे। तो आप वहाँ पर भी अब देख सकेंगे कि आप नेक्स्ट है। यहाँ पर थोड़ा सा अदर इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर कैंडिडेट को कोई कॉपी सेंड नहीं करनी होगी, हॉर्ड कॉपी आप यहाँ पर से मेंशन है 25 नंबर में। एंड डिफरेंट टाइप के इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ पर से देख लीजिए। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट एंड क्लासिफिकेशन ग्रुप सी एंड प्री मैट्रिक्स लेवल लेवल 5 एंड एज लिमिट 45 ईयर्स है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस है एंड लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट होना चाहिए। एंड सेकंड में गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन एंड डिजिटल क्वालिफिकेशन यहाँ पर एमलिब इन्फॉर्मेशन साइंस है, AIS, ALIS एंड या फिर आपके पास PG डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग, या फिर आपके पास PGDC है तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो आई है लाइब्रेरी अटेंडेंट की, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो लाइब्रेरी अटेंडेंट की जो वैकेंसी है ग्रुप सी है एंड पे मैट्रिक्स लेवल 1 है एंड एज लिमिट इसमें भी 45 ईयर्स है एंड एज क्वालिफी जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 12th है इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी बोर्ड से होना चाहिए या फिर आपके एंड आपको सर्टिफिकेट
कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से है। अगर आपका क्वालिफिकेशन दोनों में मैच करता है तो आप दोनों को दो पे एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपको जिस कल से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा और कल मेरा भी न्यू वीडियो आएगा जो कि फॉर्म फिलअप के बेस में होगा, तो मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा, आप वहां से आप इजीली देख के आप अप्लाई कर सकेंगे अपने पास से। एंड अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।